प्रियांशी आज सुबह सुबह उठ के पढ़ाई कर रही है। और क्या कर रही हो? होमवर्क? क्या होमवर्क कर रही हूँ? सिमेट्री का होमवर्क हमें दिया गया था, वही कंप्लीट कर रही हूँ। कर रही है। और मैं ना आज सुबह सुबह उठ के मेरा ब्लॉग एडिट कर दी हूँ, अभी अपलोड हो रहा है। ऑसम, सबसे बड़ी बात है। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, प्रियांशु को गर्म पानी करती हूँ, गर्म पानी। और आज मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, तो उधर से मैं जाऊँगी प्रियांशु के दोस्त के घर। और ये दोनों दोस्त गए होंगे स्कूल, और इन दोनों की मम्मी आज पचर पचर कचर कचर करेंगे हमेशा की तरह। आप लोग फोन में भी बातें करते हो। और क्या करेंगे। और ये दोनों सोच रहे हैं कि ये लोग दोनों कैसे स्कूल ना जाए और घर में रह जाए, है ना? मम्मी मेरे पेट में आज बहुत दुख रहा है, आज शायद स्कूल ना जा पाऊँ। आज पास्ता बना रही हूँ वो लेके। हाँ, मैं आज स्कूल जाऊंगी। अगर स्कूल नहीं जाओगे तो वो पास्ता नहीं लेना है। तो पास्ता खाऊंगी तो वैसे भी नहीं। अभी चावल खाओगे ना, पास्ता लेके जाओगे। ये टेडी बियर कहाँ से मिल गया तुमको, कौन दिया है? ये मेरे किचन से निकल आया, वो टूट गया। हाँ अच्छा ठीक है, पढ़ाई कर लो। कौन दिया है, कौन देगा? की पू, मेरा पू, मेरा पू, मेरा पू, ये मेरा पू। तो सवेरे सवेरे होमवर्क करना बहुत ही मुश्किल / कठिन काम है, टू बी ऑनेस्ट। मैं सिमेट्री का एक्सरसाइज खत्म कर रही हूँ, फिर मैं एरिया एंड पेरिमीटर का करूँगी। भाई कितना करना है। आज हमारे स्कूल में ना दो दो मैथ के पीरियड है, एंड आई एम टेलिंग यू दो दो। तो आई थिंक मैं एक एक्सरसाइज, मतलब मेरा ये सिमेट्री का एक्सरसाइज घर से ही कर लूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी पहुँच चुकी हूँ। मतलब 9 नंबर है, 10 नंबर है, 10 नंबर लास्ट है, तो 10 नंबर तक मैं तो ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ। तो मैं ये कंप्लीट करके स्कूल चले जाऊंगी, और जो दूसरे एरिया एंड पेरीमीटर का हमारे पास होमवर्क है वो स्कूल में कर लूँगी, क्योंकि हमारे स्कूल में वैसे भी एरिया एंड पेरीमीटर का ही रिवीजन करवा रहे हैं, और वही टेस्ट पेपर करने के लिए मैम बोली थी। तो मैं अगर इसको भी मैं कर लूँगी तो मेरा होमवर्क भी हो जाएगा, मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। प्रियांशी, मुझे क्या मिला? नारियल के अंदर ही हर दिन मेरा काम होता है। जिस नारियल के अंदर ये मिलता है मैं खुश हो जाती हूँ और खा लेती हूँ सुबह सुबह, मेरा पेट ठंडा हो जाता है इसमें। क्या है इसमें जो ये आप पाने से इतनी खुश हो जाती हो? कोकोनट का, मतलब ये वाला अच्छा लगता है। जिन बच्चों को अच्छा लगता है पूछो ना, तुम तो नहीं खाते? मैं खाई हूँ, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगता है। अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है, चबाने से ऐसा लगता है मैं नारियल पानी चबा रही हूँ। हाँ थोड़ा अजीब लगता है मुझे, इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। मेरा स्केल गिर गया। सुबह है तो आई वॉन्ट टू डू अ लिटिल चिट चैट विथ यू गाइस। तो उसके साथ साथ मेरा जो ये होमवर्क है वो भी ख़त्म हो जाएगा। स्टेट तो आज हमारे म्यूजिक और डांस भी है। पिछले म्यूजिक और डांस हम डांस गए थे, और उससे पहले वाले म्यूजिक और डांस में हमारा म्यूजिक टेस्ट हुआ था फाइनल का, फाइनल के लिए। तो इस म्यूजिक क्लास प्रोबेबली सर हमको कुछ गाना सिखाएंगे या फिर बैठाएंगे, तो म्यूजिक के बाद ही हमारा मैथ्स है। तो लाइक मुझे 3 पीरियड मिल रहे हैं मेरा ये टेस्ट पेपर ख़त्म करने के लिए। आप सोचो, एक पीरियड होता है 35 मिनट्स का, उससे फिर ब्रेक होता है 5 मिनट का, तो पर पीरियड अगर मुझे 40 मिनट्स मिलेगा, मैं उस जगह में बैठ के बिना चर्चा चैक करे मेरा लाइक ख़त्म ही हो जाएगा, मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। 120 मिनट्स मिल रहे हैं मुझे, 120 मिनट्स हो गया 2 घंटे, 2 घंटे मिल रहे हैं मुझे करने के लिए। तो आई कैन डू वेरी इजीली, बस डाउट्स होंगे तो मैम से पूछना है, वरना डाउट रखी रहूँगी, सर से पूछ लूँगी ट्यूशन में। ओके, रेडी स्कूल जाने के लिए? हाँ।
पेट दर्द छूट गया? अभी भी दुख रहा है। जा क्रीम पाउडर लगा लो, चोटी तो बना ली हो ना। और ये यूनिफॉर्म देखिए कितना छोटा होने लगा है प्रियांशी को, लेकिन यही पहन के जाना है। उसके पास एक न्यू यूनिफॉर्म है, वो नहीं पहनती। सेवन क्लास में पहनोगे? गाड़ी आ गया क्या? नहीं, वो किसी का गाड़ी का होना है। तुम्हारा 10 किलो का बैग कितना वजन है? आजकल जो रिवीजन टेस्ट हो रहा है, बहुत सारा कॉपी बुक्स ले रहे हो ना, ये करने से क्या होता है? अभी बैठ के देखो, चला गया। जान बुझ के कर रही हो। तुम्हारा बैग थोड़ा वजन करके देखो ना, कितना किलो का है। हमारे पास तो है ही नहीं, मतलब तुम हाथ में उठा के नहीं जान सकते हो। आज थोड़ा हल्का है क्या? हाँ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी बज चुका है 12 और मेरा आज अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, जो रेगुलर चेकअप होता है। और कुछ टेस्ट लिखे थे जो जिसका रिपोर्ट आज आने वाला है, तो मैं नर्सिंग होम जाऊंगी, उधर से रिपोर्ट कलेक्ट करूंगी और फिर डॉक्टर दिखा के मैं प्रियांशी के दोस्त के घर जाऊंगी, उनकी मम्मी से मिलने थोड़ा सा, क्योंकि वो उनके पास ही है। और मैं सोच रही हूँ 4 बजे प्रियांशी को सरप्राइज दूंगी और उसके स्कूल जाके, मतलब आज वो वैन में नहीं आएगी मेरे साथ, मेरे धनों के में आएगी, इसीलिए मैंने उसका हेलमेट भी पैक कर लिया है, मतलब डिक्की में डाल दी हूँ ताकि मैं उसको लेके आ जाऊँ। और उसको मैंने आज बोला भी नहीं है, बोली ही डॉक्टर के पास जाऊँगी, लेकिन वो जानती भी नहीं है कि मैं उसके स्कूल के पास स्कूल जाऊँगी और इवनिंग को मतलब 4 बजे लेके आऊँगी। एंड मेरा नाश्ता हो गया है और दोनों बाबेटी के लिए मैंने लंच बनाई थी, चावल दाल दही बैगन और गोभी का फ्राई, तो वो प्रियांशी खा के गई है। और उसके लिए मैंने पास्ता बनाया है, वो लेके गई है क्योंकि कल सैटरडे छुट्टी है, तो इसीलिए। और ये आज और एक पार्सल आया है, हमने ऑर्डर किया था और ये स्पेशली बिमला के लिए मंगाए थे, बिमला के लिए। और मतलब मेरे पास ना गोल्ड वाला है, मतलब ऐसे मंगलसूत्र, लेकिन ऐसे ख़रीदा हुआ नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये मंगाई हूँ ताकि ये बिमला पहनेगी। लेकिन देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। और अरे बाप रे, मतलब जब बिमला बनेगी ना प्रियांशी, तो बिमला बहन पहनेगी ये वाला, इसीलिए मैं ऑर्डर की हूँ। मंगलसूत्र का बहुत वाला आया है, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और इसमें उसका झुमका भी है और ये छोटा वाला डेली यूज वाला है, क्योंकि मेरे पास गोल्ड का ही है तो मैं उसको देती नहीं हूँ, गिरा बिरा देगी बोल के। तो इसमें छोटा छोटा बहुत सारा अच्छा अच्छा आया है, मुझे भी अच्छा लग रहा है पहनने के लिए। देखिए ये वाला एक, ये वाला एक। तो लेकिन अभी प्रियांशी का तो एग्ज़ाम चलेगा, तो अभी बिमला हम शूट नहीं कर पाएंगे। आफ्टर एग्ज़ाम जब समर वेकेशन हो जाएगा ना, हम बहुत अच्छा अच्छा वीडियो शूट करेंगे तब, इसीलिए। अभी हम लोग एक सरप्राइज विजिट सोनाक्षी के घर की। मम्मी मैं बोल रही थी आज वैन से आऊंगी मैं, तो मम्मी ने मुझे सरप्राइज भी देना चाहती थी, फिर आंटी ने मुझे बोला कि मम्मी अभी तक नहीं आए क्योंकि उनका डॉक्टर इतना टाइम लिया। मैं क्या बोलता हूँ, तो हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। हाँ, और सोनाक्षी और मैंने एक बहुत ही सुंदर आर्ट किया है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। गाइस, तेरा वो आर्ट का है? मैं फोटोज आप लोगों को दिखा दूंगी क्योंकि ये लड़की हमारा ड्राइंग कॉपी अंदर लेगी। भी हम लोग घर जाने वाले हैं, सोनाक्षी के घर से वापस आ गए हैं और अभी मैं ज्योमेट्रिक कर रही थी एंड मेरा ज्योमेट्रिक कंप्लीट हो गया। एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं ये झुमझुम झुमझुम फिर कान में क्यों पहनूं, बिकॉज आई थिंक दिस इज माई फेवरेट फ्रॉम नाउ ऑन। आई रियली लव दिस इयररिंग, है ना, लंबू लंबू सा क्यूट। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी इतना पहनना नहीं चाहिए तो मैं इसको खोल दूंगी। और ये अगर एक साथ ऐसे हो जाए ना, ये पूरा टैंगल हो जाता है। ये देखो अभी फिर टैंगल हो, डोंट बी टैंगल प्लीज, तू मेरा जान है, मेरा जिगर का टुकड़ा बिल्कुल नहीं है, नहीं बिल्कुल है। डोंट बी टैंगल यार प्लीज, आई हेट। ओके, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, ये पागल पागल क्या।
फाइनली गाइस ये दोनों इयररिंग्स खुल गए, दूर रखना है को, अलग अलग रखना पड़ेगा डब्बा में वरना ये हो जाएगा मिक्स हो जाएगा। सो लेट इज अभी मैं रात का चिट चैट करने के लिए आ गई हूँ और मेरे जीके का एग्जाम है 20 को और आई डोंट थिंक मैं इतनी अच्छी सी तरीके से प्रिपेयर हूँ, तो आई हैव टू स्टडी जीके एंड कल शिवरात्रि है तो कल मैं दिन भर बैठ के जीके पढ़ने वाली हूँ, जीके पढ़ने वाली हूँ, जीके पढ़ने वाली हूँ, जीके पढ़ने वाली हूँ। जीके के बाद हमारा मॉरल साइंस है 20 को, जीके है 21 को, मॉरल साइंस है और उसके बाद 8 दिन वापस स्कूल 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 या फिर स्कूल से 8 दिन छुट्टी लेके घर में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन कॉपी कुछ कुछ सबमिटनी है तो सबमिट करने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। एंड अभी मैंने ना मेरे हाथ में नेल पेंट लगाया, लेट मी शो यू गाइस, नेल्स अच्छे थे बट ये ऑरेंज कलर ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया, बट अदरवाइज दैट माई नेल्स थोड़ा सा तो अच्छे दिख रहे हैं, बहुत दिनों बाद मैंने नेल आर्ट किया है तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा अजीब भी होगा क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद नेल आर्ट किया, जैसे कि मैं बोल रही थी गाइस। हाँ तो आज का वीडियो हम यहीं एंड कर देंगे, मैं बस देख रही थी कि आज कुछ नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट सा है कि नहीं, देखो नो नोटिफिकेशंस मेरे फ़ोन में, कोई भी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं देते, यहाँ भी नीचे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं, क्या करूँ मैं गाइस, मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ, मुझे कोई मैसेज ही नहीं करता। या धन्यवाद आज का हमारा ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड अगर आपको पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। बाय गाइस, हैप्पी शिवरात्रि, अरे आप लोगों के लिए बिलेटेड होगा क्योंकि आप ये व्लॉग शिवरात्रि के दिन ही देख रहे होंगे। बाय 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 एवरीवन।